एक बार एक टीचर ने देखा कि उसके क्लास का एक स्टूडेंट बहुत उदास परेशान रहता है, ना पढ़ाई पर ध्यान देता है, ना उसको कुछ काम दिया जाए उसको याद करके नहीं आता। टीचर समझ गए कि इसके माइंड में, इसके दिमाग में कुछ चल रहा है। तो टीचर बहुत अच्छे थे, उन्होंने उस बालक को अपने पास बुलाया और उससे पूछा कि ऐसा क्या कारण है कि तुम इतने उदास और परेशान रहते हो। तो बच्चे ने कहा कि सर मैं क्या बताऊं, मेरे जीवन के अतीत में कुछ ऐसे अनुभव हैं जो मुझे परेशान करते रहते हैं। तब टीचर ने एक हल निकाला और उससे कहा कि आज शाम को तुम मेरे घर आना। स्टूडेंट शाम को उनके घर गया तो टीचर ने पूछा क्या तुम थोड़ी सी शिकंजी लोगे। उसने हाँ कहा। टीचर शिकंजी बना करके लाए, उसके हाथ में दिया और जैसे उसने पिया तो देखा कि उसमें नमक बहुत ज्यादा था। टीचर ने कहा कि अगर तुम्हें इसमें नमक अधिक लग रहा है तो लाओ मैं इसे फेंक देता हूँ। तो उस बालक ने मुस्कुराते हुए कहा कि इसको फेंकने की क्या आवश्यकता है, इसमें थोड़ी चीनी और मिला दीजिए तो ये शिकंजी एकदम अच्छी हो जाएगी। टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा कि यही तुम्हारे जीवन की सीख है। जैसे शिकंजी में नमक अधिक हो जाने पर हम नमक कम नहीं कर सकते, लेकिन उसके साथ उसमें चीनी मिला करके हम उसे एकदम सही बना सकते हैं। जीवन भी तुम्हारा उस शिकंजी के जैसा है और तुम्हारे अतीत के जो बुरे अनुभव हैं वो उस नमक के जैसे हैं, जिनको निकाला नहीं जा सकता है जीवन से। किंतु अभी वर्तमान में कुछ ऐसे अच्छे अनुभव उसमें जोड़ दिए जाएं कि जीवन एकदम मिठास से भर जाए। हम सब के जीवन में भी यही होता है। हम सब के जीवन में पास्ट में क्या हुआ है, कैसे हमारे अनुभव हैं, उनको भूल जाइए। अपने वर्तमान में कुछ ऐसी अच्छी चीजें करिए जिससे आपका जीवन मिठास से भर जाए। जय श्री राधे।